ये जो आपने अपना लुक वगैरह डिजाइन किया, ये आपके जी फर्स्ट सबसे फर्स्ट गाने से हम देख रहे हैं, जी तो ये सब कुछ आप ही का सोच था? हाँ, मेरा ये जो रुकती ये जो टर्बन ऐसे और इसके ऊपर आजकल बहुत सारे स्टाइलिस्ट वगैरह होते हैं, उस टाइम पे शायद नहीं होते थे नहीं, मुझे एल 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 मैगजीन का स्टाइलिश अवार्ड भी मुझे मिला, एल मैगजीन का मिला हुआ था। और ये मैंने सोचा था मैंने ऐसे करना है, लुक ऐसे करनी है, और किस तरह ग्रुप मेरा ग्रुप खड़ा होगा मेरे साथ, किस तरह क्या होगा, वो सारा प्लानिंग थी। तब मुझे मालूम नहीं था कि मैंने पंजाबी गाना गाना है। मैं गजलें गाता था, पंजाबी आती नहीं थी गाना में मेरे, क्योंकि पैदा मैं बिहार में हुआ हूँ, तखसरी पटना था बिहार। अच्छा। परवरिश मेरी बिहार यूपी में ज्यादा हुई, तो मेरी जो लैंग्वेज थी पंजाबी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं इसको करूंगा। पर पता नहीं तकदीर कैसे मोड़ लगाती है, अगर मैं अभी गजलें गा रहा होता तो शायद अभी तक नाम कमाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जगजीत पाजी और मेहंदी सिंह सबसे तो ऊपर तो लोग सुनते नहीं मुझे, तो अभी तक मैं गजलें ही गा के तो शायद कहीं बैठा था बाजा लेके। ये तकदीर ने पलटा दिया, मम्मी ने मुझे गाना दिया, तो सडनली बाजा छोड़ के, मतलब कहते ना कि कहते ना हम वहां खड़े होते जहां से फिर लाइन स्टार्ट होती है, तो वो हो गया। हाँ, वो लक बन गया मेरा। तो इस तरह मैंने सोचा था कि मैं करूंगा, पर ये जो ये लड़ी करनी, ये करना, ये चीजें बहुत सोच के, और किस तरह आपके ड्रेस होनी चाहिए, कैसी लुक होनी चाहिए, ताकि सिखों में गुरु गोविंद सिंह महाराज की बड़ी ब्लेसिंग है, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और शुक्र है वो मेरी जो जो मेरी रोज की लाइफ थी वही मैं उसको आगे लाना चाह और बन गया वो। आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये स्टाइल है, लुक है, इतना प्रभाव पड़ा था यंग जनरेशन पे, क्योंकि जब मैं स्कूल में था सब जीन्स जैकेट्स जो वेस्टर्न जॉन बॉन जो भी ब्रायन एडम्स सब थे, लेकिन जब दलेर मेहंदी साहब के गाने आ गए तो जो नॉर्मल जो जीन्स और ये जैकेट्स पहनने वाले लोग थे वो भी एनुअल फंक्शन में चाहते थे कि वो बड़ी शेरवानी टर्बन, मतलब नॉन सरदार लोग भी टर्बन वर्बन पहन के आते थे। पहले ना टर्बन ब्लैक कलर होता था, ब्लैक कलर बहुत पहनते थे, और वाइट टर्बन होती थी, वाइट ब्लैक और एक ब्लू कलर की टर्बन। बहुत देर बाद केसरी टर्बन आई है, तो ये सारे कलर्स मैंने शुरू किए अलग 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 बांधने, इंट्रोड्यूस करने, और फिर मुझे खुशी इस बात की जब बच्चन साहब ने दिलेर मेहंदी ड्रेस पहनी उस गाने में, फिर अनिल कपूर साहब ने वो कुछ मिर्चे उफ मिर्चे वो भी दिलेर मेहंदी बने, और गोविंदा जी बने ड्रेस पहन के, फिर अक्षय कुमार एक में सलमान खान ने भी पहनी हुई है, और एक यही ड्रेस को यही इसी इस फिर इस लंबे कोट मेरे गाउन को तकरीबन फिर सब स्टार सिंगर पहनने लगे, लाइक है हिमेश रेशमिया, उसने भी यही लंबा चौगा को, तो लगा कि जिसने परफॉर्म करना स्टेज पे उसको ऐसे ही पहनना चाहिए, ब्लैक टी शर्ट जीन्स शूज और ऊपर से ऐसा, तो ये एक नई चीज। आप पायनियर हो सर, पायनियर ट्रेल ट्रेल ब्लेजर ये, और आजकल आपको तो पता है गाने ये संगीत का क्या माहौल बन चुका है फिल्म इंडस्ट्री में, तो कितना मुश्किल रहा है आपके लिए एज एन आर्टिस्ट कि आपको अपने आप को रीइन्वेंट करके और नए जनरेशन के साथ आप रेलेवेंट रहो, आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? सही बोले कि मुश्किल ये हो जाता है जब, अब जैसे मैंने गाना है, ये गाना मैंने किया, रिकॉर्ड किया, शूट किया इश्क नचावे, तो मुश्किल ये हो रही थी कि इसको लॉन्च कोई कंपनी करे तो आपके काम को कोई और लॉन्च करे तो काम का फायदा तो मजा आता है, और अब खुद ही लॉन्च करके फिर खुद ही देखना पड़ता है, मान लीजिए यूट्यूब पे मैं मेरा भी चैनल है दिलेर मेहंदी, उसमें मैं इसको लॉन्च कर देता, लॉन्च करके जा से आता, फिर यही करता कि ये अच्छे आर्टिस्ट को अभी भी कंपनियों को भी चाहिए, अब रोज कर रही है, और भी जितने और आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर दम है तो उनको सिर्फ म्यूजिक बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, उनका फोकस सिर्फ उधर ही होना चाहिए, ये लॉन्च करना, ये होना, ये बातें करनी, ये कंपनी को ही अच्छा लगता है, और मेरे तो
एरोस से अब शुरुआत मेरी हुई है। मुझे लगता है कि हम लोग हर दो महीने बाद एक ना एक गाना अपने जितने भी लिसनर हैं उनके लिए बहुत सारे बात, मेरे पास एल्बम ऐसे ऐसे टॉपिक, इतना अच्छा म्यूजिक है, सूफी भी सब तरह का म्यूजिक। मैं चाहूं तो अभी 20 एल्बम लॉन्च कर सकता हूं, 20, और सारे सारे सॉन्ग एक से एक बढ़ के। एक हमारा बहुत कमाल ऐसा म्यूजिक हमारे पर रॉक म्यूजिक भी हो रखा है, जिसमें रॉक पंक मिशन है, जो 1970 के थे, वुल्फमैन उनका नाम था, वुल्फमैन, उन्होंने मेरे साथ लाइव हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सारी चीजें बहुत कमाल पड़ी हुई है एक से एक, लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो ही मजा आता है। और अभी तो बाकी अफ्रीका कितनी मुश्किल, इतनी मुश्किल होती है कि हर कोई बेचारा, सबको हक है सिंगर बनने का, पर गाना भी आना चाहिए और कैमरा भी नहीं देखना आता, ना गाना देखना आता, ना कपड़े पहनने आते हैं, कुछ भी उल जुलूल और कॉपी कॉपी होती है, कितनी कॉपी कर लोगे, कॉपी नहीं चलती, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। मैं ये नहीं कर रहा मैं अपनी मेरी कॉपी को करे, किसी भी कॉपी को करना वो थोड़ी देर चलता है। तो इस दौर में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिसको देखो वो बस सिंगर बना हुआ है। तो जब मैं अपना फेसबुक देखता हूँ, इंस्टा देखता हूँ, दो तीन बार तो हैक भी हो चुका है, जब मैं देखता हूँ तो उसमें जब फॉलोवर देखता हूँ तो मुझे लगता है यार सारी दुनिया में मेरे गाने बजते हैं, नेट पे देखो, यहाँ देखो, वहां तो मैं नंबर वन चल रहा हूँ, फॉलोवर मेरा ना फेसबुक पे है ना इंस्टा पे है, इसको कैसे बढ़ाऊं, इसको क्या किया जाए, कई बार बहुत परेशानी होती है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा नहीं। आपको दिल से करते हैं वो लोग, सर वो फॉलोअर्स वो सुनते हैं, लेकिन ये सुन लिया तो आ गया व्यू आ गया, इसका ये मतलब गाना पसंद आ गया, वो सही बात, एक बार क्लिक किया तो व्यू आ गया, वही तो गेम है सर। देखने वाली बात ये भी है कि आपके आपके दौर में जो भी आपके साथ जो कंटेम्प्रेरीज थे आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आज उनको ना फिल्म इंडस्ट्री में उनको कोई म्यूजिक, आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वगैरह नई फिल्मों में आपको गाना गाने का मौका मिलता है, तो पॉइंट ये बस मेरी मुझे लगता है खुशनसीबी है, ब्लेसिंग है, और मुझे लगता है मेरा आपसे जैसे रसल जी आपसे मुझसे बात हो रही है, तो मेरा एक नेचर भी ऐसा है कि गाने, जब गाने की बात होती है, जब कोई भी जब म्यूजिक डायरेक्टर आता है, जब मुझे गाना गवाता है, तो जो मेरे रिकॉर्डिस्ट है, मेरे अपने जो मेरे म्यूजिशियन है, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है इनको क्यों बता रहा है। तो मैं इनको बोलता हूँ बिल्कुल साइलेंस रहो, चुप रहो। म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है सर आप बताओ और कैसे करना है, अच्छा और बताइए कैसे गाना है। तो उनकी अगर वो 3 घंटे भी मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा, तो सारा सुनता रहता हूँ, गाता रहता हूँ मैं। जब उनकी पूरी तसल्ली हो जाती है, मैं कहता हूँ आपका गाना हो गया क्या, मैं यही गाना आपका जो है कुछ अपने ढंग से गा के भी दे सकता हूँ आपको, तो हाँ जी गा के दीजिए। जब मैं अपना गा के देता हूँ तो वही रखते फाइनल, सर यही यही ये तो चाहिए था। तो मैं ये नहीं करता हूँ कि नहीं नहीं पहले मेरा सुन लो, पहले मैं कुछ नहीं करता हूँ। चलो अब जैसे मैं रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती चल रहा था ना, सारा कुछ हो गया। फिर जब रहमान साहब को मैंने बोला कि आपका पूरा खत्म हो गया, जी हाँ जी हो गया, तो कुछ रहता है, बोलते नहीं अगर आप खुश हो बिल्कुल खुश हो। मैंने कहा अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक लाइन गा के छोड़ देता हूँ, आपको अच्छी लगे रख लेना, नहीं लगे तो निकाल डिलीट मार देना। तो उन्होंने थोड़ा देर सोचा, बोलते अच्छा ठीक है बताइए क्या करना है। तो मैंने और टिंगल 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 टिंगल, तो ये अच्छा लगता है मुझे कि जैसे दंगल दंगल का दंगल सारा कुछ हो गया, प्रीतम जी ने भी डब करा लिया उनका, और जो अमिताभ भट्टाचार्य को लिरिक्स, क्योंकि उन्होंने खुद भी डब किया था, उनका गाना लिखा हुआ था, तो उन्होंने अपने जितने जिस तरीके से गाना गाया उन्होंने, ऐसा सिर्फ सारा उन्होंने मोड़ कराया था। 3 घंटे वो गए, 3 घंटे वो चले गए, फिर एक साल बाद फिर आमिर भाई ने कहा जी कि मुझे इस गाने में थोड़ा थोड़ा कुछ और चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब आमिर भाई भी 2 घंटे मैं फिर गया, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, अच्छा वैसा कर दीजिए, जैसा सब हो गया।
मैंने कहा सबका हो गया, हाँ जी अब मैं अपना गा दूं थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी गा दीजिए। तो वही फाइनल रखा जो मैंने गाया, ए लठ गाड़ दूं रे चाड़ा पाड़ दूं, रे लठ गाड़ दूं रे चाड़ा पाड़, तो ये सब चीजें ऐड होती है। और पर पहले मैं कुछ नहीं कहता, और खुद म्यूजिक बनाया है, खुद बनाया है, बना रहे हैं, और मार्केट को पुराना ही बनाया हुआ अभी तक चल रहे हैं। वही वही तो और कोई होता तो सुनने की माता नहीं रखता, छोड़े यार मैं दिलेर मंदू मुझे क्यों सिखा रहे हो। लेकिन मेरा ये होता कि जो आप कह रहे हो भैया आप अपनी बात कहो पहले, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। तो शायद यही वजह है कि जो नए लोग हैं उसलिए खुश हो जाते हैं कि यार बाजी तंग नहीं कर रहे ना। बिल्कुल सर, ये यही बड़े आर्टिस्ट का कमाल है। आज मुझे भी और मेरे दर्शकों को जब इंटरव्यू छपेगा हम सबको ये चीज आपसे सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच रसूल भाई, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि खत्म करें सर, फाइनल आपके मुताबिक सर क्या प्रॉब्लम हो रही है आज इंडस्ट्री में कि जैसे आप थे वो ऐसे आइग्नाई वो आइकॉनिक पंजाबी गाने बन रहे ना, जैसे आप स्टेज शो आपके सेल आउट होते थे ऐसा कोई स्टेज शो ना देखने मिल रहा है, और क्यों पुराने गानों का ही रिमिक्स हो रहा है? थैंक गॉड आपके गानों को किसी ने टच नहीं किया अब तक, लेकिन वही हो रहा है। तो आपके मुताबिक ये सब ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेन प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा कि एक तो खुद अपना जुगाड़ करके वीडियो बनाते हैं, खुद अपना कुछ भी गाना बना लेते हैं, धुन बना लेते हैं, प्रोग्रामिंग हमारी जो इश्क नचावे अब इसमें सारा लाइव रिदम हो रखी है। और रमजू भाई जिन्होंने चप्पा चप्पा चरखा चले तुनक कि इश्क नचावे गाना बनाने के लिए अभी कितने रिदम कर दे रहे, कितने चार दिन तो सिर्फ इश्क जाके फिर रिदम रिकॉर्ड कर रहे थे, रिदम सुबह से लेकर शाम तक। मैं 10 बजे बैठता था, रात को 2 बजे तक बैठा रहता था, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करो, ऐसा बजाओ ये बजाओ वो बजाओ, पहले तो 4 दिन रिदम करते रहे। अभी दूसरा म्यूजिक अलग चल रहा है कॉम्प, ये सिर्फ रिदम। तो 4 दिन उसमें गए, 8 दिन इस गाने को खाका बनाया, फिर डब किया, मतलब 15-20 दिन गए एक गाने को पूरा कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं प्रोग्रामिंग, आप मुझे गाना बना दीजिए, वो बना दिया, ये बहुत अच्छा राइटर है इसका कोई भी गाना हिट होता है इसका भी गाना ले लिया जी। वो करने के बाद खुद वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद तो हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने व्यूज भी खुद ही डालते फिरते हैं, इसलिए मार खा रहे हैं के सच में फिर बोला कि फेक काम फेक ही रहता है। और अभी भी अगर मैं गाता हूं तो मैंने आज तक जितने शो किए जब तक मुझे ऑर्गेनाइजर या जिसने मुझे शो पे बुलाया है जब तक मुझे वो हाथ जोड़ के हैंड फोल्ड करके ये ना बोले कि बाजी थैंक यू सो मच बस अब और नहीं, तब तक मैं शो बंद नहीं करता, चाहे वो 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 2 बार लाइफ में 9-9 घंटे गाया हुआ है, अरे नॉनस्टॉप, और 6-6 घंटे तो आम था, 6 घंटे आम था गाना। लेकिन अभी भी आज के सिंगर आप किसको पूछ वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 आवर, उससे अगर बहुत ज्यादा होगा तो 90 मिनट लिखेगा, उसके बोले मैं शो नहीं करूंगा। बिल्कुल उसके बाद है ही नहीं कुछ गाने को, बिल्कुल ना प्रैक्टिस है ना करने का। तो यही वजह है इंडस्ट्री में जो माहौल जो भी चल रहा है, लेकिन अब फिर बहुत अच्छा होगा, मजा होगा, करेंगे लोग और लोगों को भी समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। थैंक यू दलेर मेहंदी साहब, आपसे बात करके सिर्फ हमें बात है इतने बड़े कलाकार के साथ बात करने का कि इतना तजुर्बा है आपके पास और वो तजुर्बा आप हम सबके साथ शेयर करते हो, सो थैंक यू फॉर दैट सो मच। एंड आपका नया गाना जो आने वाला है हम चाहेंगे कि आप खुद ही हमारे दर्शकों को बताएं इस गाने के बारे में। हाँ, गाना कमाल है, इश्क नचावे, और इसके अंदर विजुअल बहुत अच्छे हैं, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।